सबसे पहले सर आपको सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं जवाहर बाज़ार रोड, मालवी रोड इसे कहते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा सर वो स्टार्ट होने वाला है बैजनाथ पारा, जिसमें कि पूरे होटलों में सिर्फ बिरयानी ही बिरयानी आपको बनती हुई नज़र आएगी और दूर दूर से लोग यहाँ पर बिरयानी खाने आते हैं। ये सर हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं बैजनाथ पारा में, ये सिटी कोतवाली है सर यहाँ पर। यहाँ से लेफ्ट साइड में पूरा बिरयानी की होटलें आपको दिखाऊंगा। ये बस हम आगे बढ़ते हुए, और ये थोड़ा देखिए सुंदर लाइट से सिटी कोतवाली और ही सुंदर नज़र आ रहा है। और ये रात का समय है, ये बूढ़ा तालाब है, यहाँ से हम लेफ्ट कटेंगे तो बस अपन पहुँचने ही वाले हैं अपने बिरयानी के शहर में। और यहाँ पर वेज नॉन वेज आपको खाने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो मुझे सर भूख लगा हुआ है बहुत तेज़, मैं अपने लिए सादा पूड़ी और छोले का सब्जी बनवा रहा हूँ, ये तैयार हो रहा है मेरे लिए, ये दोस्त लोग बना रहे हैं। देखिए पूड़ी सब्जी सर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनको बोला हूँ बनाओ भैया जल्दी, मुझे खाना है। ये भाई बंधु लोग तैयार कर रहे हैं मेरे नाश्ते को, ये देखिए प्लेट में, और ये मेरा पूड़ी छानते हुए भाई साहब, ये देखिए किस तरह से प्रिपेयर करते हैं खाने को। ये बन करके तैयार हो गया है मेरा छोले और पूड़ी। और ये आगे बढ़ते हुए सर हम, ये देखिए सर ये रायपुर शहर का सबसे फेमस बिरयानी होटल है, जब भी आप रायपुर आएँ तो इनके यहाँ का बिरयानी ज़रूर खाएं। इनकी बिरयानी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये होटल का नाम अलताहा है। ये देखिए सर चाउमीन को तैयार करते हुए हमारे दोस्त, और यहाँ पर साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया है। और ये देखिए बिरयानी को इस तरह से प्रिपेयर करके कस्टमर के सामने परोसा जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको परोसा जाता है और प्यार से खिलाया जाता है इस बिरयानी को अलताहा होटल में। बहुत ही लाजवाब बिरयानी तैयार की जाती है इनके यहाँ। और ये भी सर नूरजहाँ बिरयानी भी बहुत फेमस है रायपुर में, यहाँ पर पार्सल ब्रांच अलग बनाया गया है, जो यहाँ पर सिर्फ पार्सल ही दिया जाता है कस्टमर को। और यहाँ पर सर बैठ के खाने की व्यवस्था है नूरजहाँ बिरयानी में। इनके बिरयानी की खासियत ये है कि ये खड़े मसाले का उपयोग ज़्यादा करते हैं, अलग ही फ्लेवर आता है इनके यहाँ, यूनिक तरीके से बिरयानी को प्रिपेयर किया जाता है। ये देखिए सर मून दरबार, इनके यहाँ का भी बिरयानी बहुत फेमस है। ये सर ये जो एरिया है पूरा बिरयानी के नाम से फेमस है रायपुर शहर में। यहाँ रात के 3 बजे तक आपको सर खाने के लिए खाना मिल जाएगा, हैदराबादी बिरयानी। इस एरिया में सर जितने भी होटल में जाओगे सर आपको बिरयानी तो मिलना ही मिलना है, हर होटल में मिलेगा, छोटा होटल हो या बड़ा होटल हो, सभी होटल में बिरयानी ही बिरयानी छाई हुई है। इसलिए सर इनको मैं बिरयानी का शहर कहता हूँ बैजनाथ पारा को। ये देखिए मन्नत बिरयानी, इनके यहाँ की भी बिरयानी बहुत अच्छी है। यहाँ पर किसी समय आलिया होटल हुआ करता था, आज ये चाय का दुकान हो गया है, यहाँ भी बिरयानी मिलता था। अभी अमृतुल्य चाय बना हुआ है। ये देखिए सर रायपुर शहर में कुकर बिरयानी का पूरा भरमार हो गया है। ये सर जमजम बिरयानी के नाम से फेमस है, जो कि नागपुर ब्रांच से कांटेक्ट है इनका, इनकी बिरयानी भी बहुत फेमस है। ये देखिए सर मैं सड़क की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ, जितनी दूर तक नज़र जाएगी सर आपको चारों तरफ बिरयानी ही बिरयानी नज़र आने वाली है, क्योंकि ये सर ये बिरयानी का गढ़ है। चारों तरफ सर पूरे शहर में सबसे ज़्यादा बिरयानी का सेल बैजनाथ पारा में ही होता है, यहाँ पे हर तरह का बिरयानी आपको मिल जाएगा और हर तरह का नॉनवेज खाने को भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए सर KFC कोलकाता फ्राइड चिकन, ये सर KFC जैसा बनाते हैं अपने चिकन को व्यंजन के रूप में, बहुत ही लाजवाब खाने का
अगर आप शौक़ रखते हैं तो बैजनाथ पारा में ज़रूर आइए, आपको यहाँ 3 बजे रात तक मिल जाएगा। ये देखिए फल्ली वाले भैया को, ये भी बहुत फेमस हैं, इनकी दुकान 70 साल पुरानी है। ये देखिए बरसात हो रहा है और मैं सर अपने वीडियो पर लगा हुआ हूँ। ये देखिए भाईजान लोग भी कुछ सामान यहाँ पर सेल करते हुए हैं। ये देखिए ये भी सर लाजवाब पर्सन है, बता रहे हैं सर अभी भी मैं 16 साल का हूँ। बिल्कुल सर ये उसी तरह का ज़िंदगी जीते हैं, देखिए अपनी ज़िंदगी से कितनी खुश हैं और अपने लिए जीते हैं। ये खुश मिजाज किस्म के ये चचा हैं, बहुत ही फेमस हैं। ये सोडा शॉप के नाम से सर फेमस हैं यहाँ पर, इनको बैजनाथ पारा में सभी कोई जानते हैं। ये देखिए सर जिंदा दिली से बात करते हुए, ये देखिए भाईजान लोगों को मैं दिखाता हुआ, और कुछ चीज़ें सर यूनिक रखे हुए हैं अपने पास। ये इत्र भी है इनके पास, एक ज़माने में ये होटल भी हुआ करता था फेमस, आज ये सर बंद है। ये चाय की दुकान बहुत फेमस है हमारे बैजनाथ पारा में, दूर दूर से लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। ये नवाब नॉनवेज फैमिली, ये खुला हुआ है सर अभी करीब 3-4 महीना हो रहा है, यहाँ पर भी बिरयानी बनाई जाती है। ये देखिए सर मदरसा बना हुआ है, लगभग 80 साल पुराना मदरसा है ये अपना। रात का समय है, थोड़ा अंधेरा आ रहा है सर और बरसात भी हो रही है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे तकलीफ़ हो रहा है, तो भी मैं अच्छी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सर छोटे से स्टॉल में बिरयानी को प्रिपेयर करते हुए पैक करते हुए ये दे रहे हैं भाई साहब। लेग पीस है, चिकन काड़ी है, पकौड़ा है, और 70 रुपये में सर यहाँ बिरयानी आपको मिल जाएगा। नूर होटल, इनके यहाँ भी सर वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चाय भी इनके यहाँ का फेमस है। ये देखिए सर बरसात हो रही है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं ये धीरे धीरे सर मैं सड़क से जाता हुआ छतरी पकड़ के सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बरसात हो रहा है। मैं तो सोचा सर आज मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, बाकी छतरी एक फ्रेंड से मैंने लिया हुआ है, उन्हीं की छतरी से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और कुछ दुकानें तो बंद भी हो गई हैं बरसात के कारण। ये मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये देखिए सर यहाँ पर भी नॉनवेज का अनुपम संग्रह रखा हुआ है। लेग पीस है, चिकन पकौड़ा है, बिरयानी है। पूरे छत्तीसगढ़ में सर सबसे ज़्यादा बिरयानी का गढ़ बोला जाए तो बैजनाथ पारा ही है। ये देखिए सर चौक है, यहाँ पर लोग रात भर बात करते हैं बैठ करके। ये एजाज ढेबर के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए सर चौक को मैं दिखाता हुआ है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बुक भी मिल जाएंगी आपको। ये देखिए पान दुकान है बाजू में। ये मैं धीरे धीरे बढ़ता हुआ इधर सर पूरे एरिया में देखिए, यहाँ पर कुकर बिरयानी छाया हुआ है, पोस्टर भी लगा हुआ है कुकर बिरयानी। सबसे पहले सर बैजनाथ पारे में कुकर बिरयानी यहीं से स्टार्ट हुआ है और आज पूरे बैजनाथ पारा में चारों तरफ कुकर बिरयानी छाया हुआ है। बिरयानी ही बिरयानी है सर, मैं तो बोल बोल के थक जा रहा हूँ बिरयानी के बारे में। आप आएंगे तो बिरयानी देख के यहाँ सर आपका पेट भर जाएगा। ये देखिए सर यहाँ समा बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी, क्या बताऊँ सर हर तरफ ही बिरयानी बिरयानी है। ये देखिए सर बन रहा है इधर पर, और लोगों की भीड़ लगी हुई है बिरयानी को खाने के लिए। ये देखिए सर तैयार करते हुए हमारे दोस्त, ये देखिए सर क्या बताएं सर, मैं तो बता बता करके बिल्कुल मुंह में पानी आ गया खाने के लिए। बस ये ब्लॉग को कंप्लीट करूँगा तब मैं भी खाना के लिए बैठूंगा। ये देखिए कुकर बिरयानी बन रहा है सर, यहाँ पर भी पूरे भाई लोगों का यूनिट लगा हुआ है कुकर बिरयानी को प्रिपेयर करने के लिए।
ठीक है सर, अगले ब्लॉग में जल्दी ही बनाऊंगा। सर मेरे ब्लॉग को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ये सर मेरा बिरयानी स्पेशल ब्लॉग रहा है, आगे मैं सर कुछ और यूनिक बना करके आपको दिखाऊंगा। सर वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। अगले ब्लॉग में मिलते हैं सर नए जोश के साथ में, आपका दोस्त राजू। बने रहिए सर मेरे ब्लॉग पर, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में। ऐसा ब्लॉग किसी ने नहीं बनाया होगा सर अभी तक के, एक दो बनाते होंगे छोड़ देते होंगे, लेकिन मेरा ब्लॉग सर एपिसोड में बनेगा। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपका फ्रेंड।